नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाखा जैन सेरेफिक डेंटल से। अगर आप निकलने लगने वाली पतीसी पहन रहे हैं, आपके सारे दांत निकल चुके हैं, पर आप निकलने लगने वाले डेंचर से पतीसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, दुखी हैं, उससे परेशान हैं, खाते समय चुभती है, कहीं छाले हो जाते हैं या बात करते वक्त निकल जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वाले अपनी पतीसी से दुखी हैं तो आपके पास तीन तरीके हैं कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। पहला, अगर आपने निकलने लगने वाली पतीसी बनवाई है तो देखिए, जरूरी नहीं है एक बार अगर आपको वो फिट नहीं हुई तो दूसरी बार आपको ट्राई करना चाहिए किसी और डेंटिस्ट से उसे बनवाएं। एमडीएस प्रोस्टोडोंटिस्ट जो होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट होते हैं निकलने लगने वाले डेंचर्स बनाने में। तो आप एक बार चेक करें अपने डेंटिस्ट को और एक बार फिर से पतीसी बनाएं एमडीएस प्रोस्टोडोंटिस्ट से। हो सकता है इस बार वो आपको बेटर फिट दे, बेटर कंफर्ट दे और आप निकलने लगने वाले ऑप्शन से ही सेटिस्फाई हो जाएं और उसी से खाने लग जाएं। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, इसमें खर्चा कम होगा और आप निकलने लगने वाले से ही खाना स्टार्ट कर पाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सोच चुके हैं कि आपको निकलने लगने वाला नहीं ही करवाना है, उससे तो आपको सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएंगे, आप निकलने लगने वाला आपके लिए है ही नहीं, आपको फिक्स ही करवाने हैं तीन, तो डेंटल इम्प्लांट्स आर द सोल्यूशन फॉर यू। फिक्स डेंटल इम्प्लांट से हम आपकी पूरी पतीसी को फिक्स कर सकते हैं। एक तीसरा सेट ऑफ टीथ आपको दे सकते हैं हम डेंटल इम्प्लांट्स के द्वारा। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें हम इम्प्लांट्स नहीं डाल सकते और आपके दांतों को फिक्स नहीं कर सकते। हर कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन, अगर आपकी बोन कम है, आपको कोई मेडिकल समस्या है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हर कंडीशन में इम्प्लांट डल सकता है। हो सकता है कि आपकी कंडीशन में हम थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करें इम्प्लांट डालने के बाद, हो सकता है सर्जरी के कुछ स्टेप्स ज़्यादा हों उसमें, बट इम्प्लांट्स 100% पॉसिबल है। इम्प्लांट करके हम आपको फिक्स पतीसी ज़रूर दे सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपने इतना खर्चा नहीं करना चाहते, इम्प्लांट देखिए थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, इतने सारे इम्प्लांट्स डलते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कुछ लोग उतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आपके लिए है तीसरा ऑप्शन जिसे कहते हैं हम सेमी फिक्स, उसे कहा जाता है ओवरडेंचर। ओवरडेंचर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इम्प्लांट्स कम हो जाते हैं, उसमें हमें सिर्फ जैसे नीचे सिर्फ दो इम्प्लांट्स डलेंगे, उन्हीं दो इम्प्लांट्स के ऊपर हम कुछ अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा एक टिच बटन होता है, टिच बटन में दो अटैचमेंट्स होते हैं और वो उसके ऊपर आके फिक्स हो जाता है, तो ये एक बटन की तरह होंगे दो इम्प्लांट्स और उसके ऊपर हमारा डेंचर बैठ जाएगा तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, चबाते समय नहीं हिलेगा, बात करते वक्त नहीं हिलेगा, तो ये जो पूरी ही निकलने लगने वाली होती है उससे एक बेहतर आपको अनुभव देगा खाने में, चबाने में और बोलने में। तो अगर आप पूरा फिक्स नहीं करवा सकते तो यू कैन गो फॉर सेमी फिक्स ऑप्शन, निकलने लगने वाले से ये थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देगा, तो यू कैन गो फॉर ओवरडेंचर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों ऑप्शन समझ में आए। पहला, तो एक बार आप निकलने लगने वाली ही फिर से ट्राई करें, एक एमडीएस प्रोस्टोडोंटिस्ट से अपनी पतीसी फिर से बनवाएं, हो सकता है इस बार वो आपको फिट हो जाए एंड आपको कोई सर्जरी नहीं कराना पड़े और उसी से आप कंफर्टेबल हो जाएं। सेकेंडली, हर कंडीशन में जैसे मैंने बताया इम्प्लांट्स हो सकते हैं, तो इम्प्लांट से घबराएं नहीं। अगर आप फिक्स नेचुरल टीथ चाहते हैं, एक 100% अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं खाने का, तो आप फिक्स डेंटल इम्प्लांट्स कराएं। थर्डली, अगर इसके बीच की चीज़ चाहते हैं तो आप सेमी फिक्स ओवर डेंचर पे स्विच कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और बिल्कुल भी अगर आप दुखी हैं निकलने लगने वाले डेंचर से तो उसके साथ आगे काम ना चलाएं, इनमें से तीन ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे ज़रूर बढ़ें। थैंक यू सो मच।